दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग जो है हम कैसे करते हैं। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है जो लिंकन कंपनी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये करंट और क्रेटर वोल्टेज है। इस ऑप्शन से हम जो है मशीन का गैस कंट्रोल करते हैं। इस ऑप्शन से हम मशीन का क्रेटर कंट्रोल करते हैं। और ये मशीन, ये जो बटन है, ये गैस चेक का है और वायर फीड का है। इसके बाद इसमें देखिए ये कनेक्शन लगा हुआ है, अर्थिंग है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और ये इसका इनपुट है, और ये जो है दोनों आपस में जब ये आर्किंग होगा तो कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका वेल्डिंग होगा। तो ये मशीन एक तरह से बोले तो सीपीयू है। इसके बाद इसके हम आते हैं वायर फीडर पे। ये वायर फीडर है, इसमें भी आप देखेंगे वो दो बटन दिया हुआ है, करंट वेल्डिंग करंट का और वेल्डिंग वोल्टेज का। और इसमें देखिए ये नेक है, ये वेल्डिंग टॉर्च का कनेक्शन है जो वेल्डिंग टॉर्च का दिया है, और ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च है जिसमें स्विच रहता है, और स्विच को दबाएंगे तो वायर निकलता है ऐसे, और साथ ही साथ गैस फ्लो भी होता है। तो आपने देखा कि ये है, और इस वायर फीडर में जो है वायर भी रहता है। आप देख सकते हैं कि वायर फीडर के अंदर वायर लगा हुआ है, ये मिग वायर है जिससे वेल्डिंग कंप्लीट होता है। इसके अंदर से वायर फीडर जो है, यहाँ से वायर आके, और आप देखिए कि वायर यहाँ से आता है, वायर इसके थ्रू होते हुए इस सेक्शन से रोलर से होते हुए कैसे जो है टॉर्च पे जाता है, टॉर्च से होते हुए ये वापस जो है इस लाइन से वो तो यहाँ तक आता है, और ये वायर फिर ऐसे निकलता है। और जैसे ही मैं इस टॉर्च को दबाऊंगा तो यहाँ से देखिए कि ये वायर फीडर घूमेगा और ये वायर बढ़ते चल जाएगा। देखिए घूम रहा और बढ़ते चल जा रहा। तो इस तरह से ये वायर फीडर वेल्डिंग में काम करता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी ताज़ा जॉब मारा हुआ है वेल्डिंग का, बिल्कुल ही हॉट है, और ये मल्टी लेयर मारा हुआ है। तो मैं आपको डिपोजिशन कैसे होता है वेल्डिंग का वो दिखाऊंगा। अभी आप देखिए कि वेल्डिंग इस तरह से, वेल्डिंग मशीन के बारे में हम जान गए कि इस तरह से वेल्डिंग जो है हम कर सकते हैं वेल्डिंग मशीन से हम इस तरह से वेल्डिंग करते हैं। चलिए, थैंक यू।